बच्चों हमारा अगला सबक है शीन। आज हम पढ़ेंगे शीन। शीन से कौन कौन से अल्फाज बनते हैं? शीन शितरमुर, शीन शलजम, शीन शरबत, शीन शाख, शीन शहद। ठीक है, शीन शहद। और शीन से क्या बनता है? शेर। शीन से क्या बनता है? शेर। शीन हमारा आज का सबक है। शीन हमारा सबक क्या है? शीन। ठीक है बच्चों, शीन से क्या बनता है? शितरमुर्ग। शितरमुर्ग जो है बच्चों, ये बड़ा प्यारा सा एक बड़ा सा जानवर है। ठीक है, ये जो है ये परिंदे की भी शक्ल है और ये जानवर भी है। ठीक है, ये उड़ भी सकता है, हम इसका गोश्त भी खाते हैं और इसका गोश्त बहुत ताकतवर होता है बच्चों। ठीक है, जो शितरमुर्ग होता है ना, उसका जो गोश्त है वो बहुत ताकतवर होता है। तो शीन शुतुरमुर्ग, शीन शुतुरमुर्ग, शीन शलजम। शलजम, शलजम क्या एक सब्जी है। शलजम खाते हो ना, आपके घर में शलजम पकते हैं ना, और शलजम तो कच्चे भी खाते हैं। जो मामा जो सब्जी बना रही होती हैं, कट कर रही होती हैं, तो हम लेकर भाग जाते हो ना। मैं भी जब छोटी थी, मैं भी अपनी मामा, जब मेरी मामा शलजम काट रही होती थी तो मैं लेकर उठा कर खाने के लिए ले जाती थी। तो शलजम बड़ा मज़े का होता है, मीठा मीठा होता है, ये एक हेल्दी डाइट भी है। ठीक है, शीन शलजम, शीन शरबत। शरबत भी आप सब लोगों को पसंद है ना। ठीक है, जो ये है ये रेड सिरप है, ये शरबत है। वैसे शरबत काफ़ी फ्लेवर्स के होते हैं, मैंगो भी जूस होता है, ऑरेंज वाला भी होता है, गुआवा का भी होता है। ये रेड वाला शरबत है, ये लाल शरबत है। शीन शरबत, शीन शाख। शीन से क्या बनेगा? शाख। ये जो दरख्तों की शाखें होती हैं ना, ठीक है, ये भी किससे बनती है? शीन, शीन शाख। ठीक है, आगे हमारा है शीन शहद, शीन शहद। ठीक है, हनी जिसे बोलते हैं ना, बड़े मज़े का होता है, बहुत स्वीट होता है। ठीक है ना, और ख़ास तौर पर सर्दियों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, शीन शहद, शीन शेर, शीन शेर। ये क्या है? लॉयन। ये भी कहाँ आपको नज़र आता है? जू में, चिड़ियाघर में या जंगल में। ठीक है, वो आम लॉयन यहाँ पे जो है वो नहीं आपको नज़र आ सकता। तो ये क्या है? शीन शेर। ठीक है बच्चों, हमारा सबक बना शीन शुतुरमुर्ग, शीन शेर, शीन शलजम, शीन शरबत, शीन शाख और शीन शहद। ठीक है बच्चों, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है और हर जो लफ्ज़ की है वो अलग-अलग पहचान रखनी है।